हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि जो प्रयास टेस्ट सीरीज की जा रही है उसमें जो OMR है उसको कैसे फिल करना है ताकि आपका रिजल्ट सही से पब्लिश हो सके। तो सबसे पहले जो हमारा कैंडिडेट नेम वाला जो कॉलम है उसको आप ध्यान से समझेंगे कि कैंडिडेट नेम और रोल नंबर अगर आपने ठीक से नहीं फिल किया है तो आपका रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो कैंडिडेट नेम के लिए आपको अपने पर्टिकुलर नाम को लिखना है और नेम और सरनेम में आपको एक ब्लॉक खाली छोड़ना है। जैसे अमन राज में मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक खाली छोड़ा, सही से इसको आप इंश्योर कीजिए कि आपने अच्छे से इसको सर्कल कर रखा है। दूसरा, रोल नंबर की जब बात आती है तो रोल नंबर आपको ये बात समझना है कि आपका रोल नंबर का जो चार कॉलम है ये आपके मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट होगा। आपके जो भी मोबाइल नंबर है उसका आखिरी 4 डिजिट को आपको कहाँ पे फिल करना है, रोल नंबर में फिल करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका लास्ट 4 नंबर अगर है 5023 तो आपको 5023 यहाँ पर फिल करके इसको इनसर्कल करना है। ये दोनों कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिजल्ट के लिए। तीसरा चीज़ जिस पर आपका रिजल्ट डिपेंड करता है वो है ये ब्लैक डॉटेड लाइन्स। ये आपको इंश्योर करना है कि आपके OMR के जो ये दोनों साइड जो ब्लैक डॉटेड लाइन्स दिख रहे हैं स्ट्रिप लाइन्स, इन पर गलती से भी कोई पेन ना चल जाए या फिर कोई भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन इस पर क्रिएट ना हो। आपको जब OMR मिले आप ये चेक कर लीजिए कि ये दोनों ब्लैक डॉटेड लाइन बहुत क्लियरली विजिबल हैं, क्योंकि जब मशीन में OMR स्कैन होगा तो यही पर्टिकुलर डॉटेड लाइन्स को देखा जाता है, तभी आपका रिजल्ट कैलकुलेट हो पाएगा। अगर आपके पेन से गलती से इसमें कोई मार्क चला जाए तो प्लीज़ आप OMR चेंज कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन ये है कि यहाँ पर PI BPSC के बाद जो पहला कॉलम है इसमें H और E का मतलब है मीडियम। आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर H फिल करके H को सर्कल करेंगे, इंग्लिश मीडियम है तो E को सर्कल करेंगे आप। उसके बाद टोटल 6 कॉलम आपको दिख रहे हैं जिसमें कि पहला दोनों कॉलम जो है वो एक स्पेसिफिक नंबर के लिए है। समझेंगे ध्यान से, जो भी परफेक्शन IAS के फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं वो इस पहले 2 कॉलम में अपना बैच नंबर फिल करेंगे। यानी कि मान लीजिए अगर आप H25 के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर H के बाद पहला 2 कॉलम में 25 को फिल करेंगे। और उसके बाद जो आखिरी 4 कॉलम बच रहा है उसमें जो हमारे फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं वो अपना अगेन मोबाइल नंबर का आखिरी 4 डिजिट यूज़ करेंगे। यानी कि जो आपका रोल नंबर है वही आप आखिरी 4 डिजिट में यूज़ करेंगे। जो भी फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट नहीं हैं वो मीडियम के बाद 00 2 जीरो को क्या करेंगे, एनसर्कल कर देंगे। उनको बैच नंबर नहीं डालना है, उनको क्या करना है, उन 2 कॉलम में खाली नहीं छोड़ना है, 00 आपको डालना पड़ेगा। और अगेन लास्ट 4 कॉलम में आप मोबाइल नंबर का आखिरी 4 डिजिट डाल देंगे। यहाँ पर आप सब्जेक्ट नेम में जो है वो आप लिखेंगे जनरल स्टडीज़, और सेट में आप ABCD में जो भी आपका बुकलेट सीरीज कोड होगा वो आप यहाँ पर इनसर्कल करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे नाम रोल नंबर ये दोनों अगर ठीक से फिल है तो रिजल्ट आएगा। और तीसरा कि इस ब्लैक डॉटेड लाइन पर कोई भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी तरह का पेन, कोई मार्किंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।